भगवान शिव को लेकर पुराणों में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से सबसे कौतूहल का विषय था भगवान शिव की शादी। ये शादी कैसे हुई और इसी शादी में भगवान शिव से उनके माता पिता, उनका कुलगोत्र और उनके वंश के बारे में पूछा गया था, तो भगवान शिव ने इसका क्या जवाब दिया था, आइए जानते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की शादी बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुल के राजा महाराजा और शाही मेहमान शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई मेहमान नहीं था क्योंकि वो किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। भगवान शिव की शादी में जहाँ सारे देवी देवता पहुँचे तो वहीं पे असुर भी आए। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर नहीं जाते थे और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे, किंतु भगवान शिव की शादी में ऐसा नहीं हुआ। भगवान शिव की शादी में सभी आए। भगवान शिव पशुपति हैं, यानी सभी जीवों के देवता, इसलिए उनकी शादी में सारे जानवर और सभी प्रकार के जीव जंतु उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में शामिल हुए। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर और वधु दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, तो पार्वती की वंशावली का बखान बहुत ही धूमधाम से किया गया। फिर वे सब उस ओर देखने लगे जिधर शिव बैठे थे। पार्वती के पिता पर्वत राज ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए, किंतु शिव शून्य की तरफ देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे ये सवाल पूछ रहे थे क्योंकि कोई भी अपनी बेटी का विवाह किसी से भी नहीं करेगा जिसके वंश का कोई अता पता ही ना हो। उन्हें जल्दी थी क्योंकि शादी का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। फिर नारद जी जो कि उस सभा में मौजूद थे वो ये सब देख रहे थे और उन्होंने अपनी वीणा उठाई और लगातार एक ही सुर में बजाते थे। इतने में पार्वती के पिता अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कहा, ये क्या बकवास है, आप ये खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? नारद जी ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। तब पर्वत राज ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। नारद जी ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू है, इन्होंने खुद की रचना की है, क्योंकि पूरी सृष्टि का आधार एक ध्वनि में निहित है और क्योंकि इनका सभी ध्वनियों में महारत हासिल है, जिसका मतलब है कि सृष्टि पर अपनी महारत से इन्होंने खुद का निर्माण किया, इसलिए ध्वनि ही इनका वंश है। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में, सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले ये कुछ नहीं थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।